आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो फिर से लगाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे के साथ ही बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर वसुंधरा राजे का फोटो फिर से लगा दिखाई दिया। दरअसल सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद ही वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर के फोटो प्रदेश मुख्यालय से हटा लिए गए थे। इससे पूर्व फोटो में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर के फोटो थे। उसके बाद पार्टी के पोस्टर और बैनरों से वसुंधरा राजे के फोटो हटा दिए गए थे। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के कार्यक्रमों से दरकिनार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आलाकमान के निर्देश के बाद जन आक्रोश यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे का फोटो फिर से लगा और उसके बाद आज प्रदेश मुख्यालय के आधिकारिक बैनर में वसुंधरा राजे का फोटो सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया के साथ लगा दिया गया। इस घटना को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर में आने को जोड़कर भी देखा जा रहा है। पंजाब केसरी से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।